माफ कीजिएगा भाभी जी, आपके डैडी ने शादी से पहले भभूति जी के चरित्र को ठोक बजा के देख लिया था ना? क्यों? नहीं मतलब जिसे बचपन से ही फ्रॉक पहनने की आदत हो, तो एक रिस्क फैक्टर रहता है ना कि कहीं 2-in-1। तिवारी जी। अरे भाभी जी, हम तो मजाक कर रहे हैं। वैसे अभी भी पहनेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तिवारी जी, क्या करते हैं आप? नर्स, आपको कुछ सेंस है? मिस्टर विभूति नारायण जी यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आए थे, हाँ, ना कि उन्होंने 3 बोतल यहाँ पर ब्लड डोनेट किया, आपने उन्हें 3 लेडी हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा दिए। ध्यान कहाँ रहता है आपका? अभी मालूम है विभूति नारायण जी का क्या हाल हो जाएगा? जनखे हो जाएंगे वो जनखे। जनखे का मतलब समझती हैं? ऐसे 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 अदाएं आ जाएंगी उनके अंदर, अदाएं। कुछ सेंस नहीं है आपको। वैसे शाम को क्या कर रही हैं आप? चले कोई फिल्म देख कर आते हैं। अरे विभूति भैया, कहाँ से आ रही है सवारी? अरे भैया, खून चुसवा के आ रहा हूँ। आई लाइक इट। आप भी खून चुसवाने लगे? अभी मतलब? मतलब ये भैया कि मैं तो रोजाना खून चुसवाता हूँ ना, 2 शौक लेकर। आप खून चुसवाते अपने पागलपन के लिए, और मैं खून दे के आया किसी जरूरतमंद को। मैं ब्लड डोनेट करके आया हूँ बाय द वे। ब्लड डोनेट? जी, यानी किसी की जान बचाने के लिए आपने ब्लड डोनेट? दैट्स राइट। विभूति भैया, पता है आपके लिए मेरे दिल में इज्जत बहुत बढ़ गई है आज। आपको ना मैं 1 नंबर का टुच्चा, छिछोरा, कमीना इंसान समझता था आज तक। पता है भैया, सच बता रहा हूँ आपको, आपके मुंह पे मैं हमेशा आपको विभूति भैया कहता था, पर आपकी पीठ पीछे ना आपको कमीना कहता था मैं। पर आज जब आपने किसी इंसान की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट किया, अपना खून दिया ना, मेरे दिल में आपकी इज्जत यहाँ से यहाँ चली गई है। इतनी ज्यादा इज्जत बढ़ गई है भैया। आई लव यू भैया, आई लव यू। कुत्ता। भैया, आज आप में कुछ नए कलर्स नजर आ रहे हैं भैया। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मल्टीपल चॉइस वाला मजा आ रहा है। अरे भगवान, बहुरिया तुम एक काम करो, उन नल्ले को अपने नौकरी पे रख लो, वैसे भी आके तुम्हारा माथा खाता रहता है। नहीं नहीं अम्मा जी, आप दुआ कीजिए इनको जल्दी काम मिल जाए। अच्छा, अभी हम ये चूड़ियां पहनते हैं और फोन से फोटो खिंचवा के आपको भेजेंगे। हाँ, बाय बाय। हाय दया भरभूति जी, ये का चूड़ियां पहन लिए। ऐसी बस आप चूड़ियां पहन लिए। अब हम लड्डू के भैया को बताएंगे, लड्डू को भी बताएंगे कि भरभूति जी चूड़ी। आप उनको कुछ नहीं बताएंगी? हम बताएंगे, ठीक बना ही बताएंगे कि भरभूति जी भी चूड़ियां पहन लिए थे। Well, भाभी जी, कैसे हो? बाय बाय। कुत्ते। मुझे मालूम था आपके यही सब हो रहा होगा। लेकिन आपको कैसे मालूम? अरे दरअसल आज क्या हुआ, वार्ड नंबर 15 में एक लेडी लेटी हुई थी, उसे हार्मोन्स की कमी हो गई थी। तो? हाँ, तो क्या हुआ कि उसे 3 इंजेक्शन हार्मोन्स के लगने वाले थे। तो वो जरा देर के लिए अपने बिस्तर से उठ के गई, इतनी देर में आप उसी बिस्तर पे आके पड़ के लेट गए। तो हुआ क्या कि गलती से नर्स ने 3 लेडी हार्मोन्स वाले इंजेक्शन आपके ठोक दिए। What? जी, अरे घबराई नहीं, हम आपको रिवर्स का ही इंजेक्शन लगाने आए हैं, लेकिन उसका
असर कब तक होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल तो आपके अंदर बहुत बदलाव आने वाला है, यहाँ तक कि आप साड़ी वाड़ी भी अब पहनने लगेंगे। कुत्ता। लेकिन लड्डू के भैया हमरे बिंदी हमरे साड़ी हमरे लिपस्टिक को देखते ही नहीं हैं। अंगूरी उसको लिपस्टिक कहते हैं। सही पकड़े हैं। और सुन, जो मैंने तुझको बोला है ना वो करना, फिर बताना मुझको। ठीक बा, हम अभी जाकर लगा देंगे। और सुन, मैं तुझे और भी टिप्स दूंगी। मैं तेरे को एक स्पेशल, एक लेडी स्पेशल टिप देती हूँ। इधर आ। तू लेडी है? नहीं। तू लेडी है? नहीं। तो क्यों सुनने की कोशिश कर रहा है तू? अच्छा ठीक है, जब दो लेडीज आपस में बात कर रही हैं तो चीप। इधर अंगूरी। अरे मैं तेरी सहेली हूँ, इधर तो आ। सुनो, हे भगवान, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि भभूति जी इतने जनाना हो गए हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए भाभी जी, मैं आपकी जिंदगी में आई हर कमी को पूरा कर दूंगा।